हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप बहुत ही अच्छे होंगे। ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे मीना बना रही है सब्जी और मैं एक साइड में प्रेशर कुकर को रखी हूँ गैस पे। तो यहाँ पे एक साइड में सब्जी भी बन रही है और साथ साथ बहुत सारे काम होते रखते हैं, तो मैं इसको इस साइड शिफ्ट कर दे रही हूँ क्योंकि हमारा जो गैस है ना, एक बहुत ही लो फ्लेम पर चलता है और एक थोड़ा सा ठीक ठाक चलता है। यहाँ स्पॉश आके चेक कर रहा था कि बना खाना कि नहीं बना, और उसकी सब्जी भी नहीं बनी है तो वो वापस चला गया अपनी दादी के पास। बीच बीच में के देखता रहता है सुबह सुबह जब उसको भूख लगी होती है। तो यहाँ देखिए, हमारे घर में आज बन रहा है दाल में लौकी वाली दाल, जो घिया वाली दाल भी बहुत लोग घिया भी बोलते हैं, तो वो वाली दाल बन रही है और इसकी रेसिपी मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर रख दिया था एंड यहाँ पे दाल भी भिगो के रखा हुआ है। एंड उसके बाद मैं इसमें प्रेशर कुकर अच्छी तरीके से जब गर्म हो जाता है तो आप इसमें डाल दो लाल मिर्च डाल दो। तो मैं यहाँ पे लाल मिर्च डाल रही हूँ, उससे क्या फ्लेवर अच्छा होता है। वैसे मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ लाल मिर्च, लेकिन कभी कभी चलो ठीक लगता है डालने में, तो दो मैंने डाल दिया है इसमें। और मैं डंठल से ही डाली हूँ, उसका डंठल मैंने नहीं निकाला है। देन मैं इसमें डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। और कल वाले मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट्स आए हुए थे कि जो भिंडी की सब्ज़ी मैं बनाई थी उसमें पानी डालना है कि नहीं डालना है, तो उसमें बिल्कुल पानी नहीं डालते हैं, उसको ड्राई बिल्कुल लो फ्लेम पे हम उसको पकाते हैं। क्योंकि भिंडी की पानी में आप समझ लो, अगर पानी डालोगे तो फिर वो भिंडी की सब्ज़ी ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है। सो जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था उनका आंसर है। उसके बाद यहाँ पे इस दाल में मैं डाल रही हूँ एक बड़ी इलायची, जो भी मसाले होते हैं लौंग डालूंगी, और जो भी छोटे छोटे गरम मसाले में होते हैं ना, वो सब का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। देन मैं इसमें डाल दी हूँ प्याज, और प्याज डालने के बाद अच्छी तरीके से भूनूंगी। और ये वाली दाल है, समझ लो अगर आप इसको मसाला इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप मसाला ऐड कर सकते हैं, ये मसाले वाली दाल बन जाएगी। तो यहाँ पे ये मैं भून ली हूँ, देन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर, और ये मम्मी बहुत ही टेस्टी बनाती हैं। और मम्मी ने बोला खड़ा लहसुन डालने के लिए, देखिए मैंने यहाँ पे खड़ा लहसुन डाला है और ये सब्जियों में बहुत टेस्टी लगता है। बहुत सारे लोग, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग खड़ा लहसुन डालते हैं, लेकिन हम लोग मतलब नॉनवेज में डालते ही हैं, साथ ही साथ हम डालते हैं इसमें भी। जैसे सब्जी बनी ग्रेवी वाली, पनीर की सब्जी बनी, छोले बने, उसमें भी आप खड़े लहसुन डाल के देखना, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और वो लहसुन खाने का स्वाद भी बहुत ही अच्छा आता है। सो मैं इसको भून ले रही हूँ, और बीच में ना फिर मैं ना किचन से बाहर भी निकल रही थी थोड़े बहुत, जब काम रह रहे थे मुझे तो। एंड यहाँ हम दोनों लोग मिलके और खाना बनाने में जुटे हुए हैं और मम्मी बाहर थी इस टाइम पे। तो यहाँ देखिए मैंने लौकी को भी डाल के भून लिया है, उसके बाद मैं इसमें दाल ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे मैं दाल ऐड कर दी थी एंड यहाँ पे मैं बाहर चली गई थी एक्चुअली, स्पॉश कुछ कोई चीज़ के लिए बुला रहा था। तो यहाँ पे हल्दी नमक डाला जा रहा है और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर, यही कुछ डालना होता है, इसके अलावा आप कुछ नहीं डालना। तो नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद दाल में भी पानी डाल दिया गया और जैसे नॉर्मल हम दाल बनाते हैं उसी टाइप से हमें बनाना है जितना सीटी। तो ये देखिए मिक्स करने के बाद इस तरीके से, और थोड़ा सा आप एक दो सीटी ज़्यादा लगवा दो क्योंकि ये लौकी है, ये पके कि नहीं पता नहीं, पके ना पके, इसी वजह से एक दो सीटी आप ज़्यादा लगवा देना। तो बस ये थोड़ी देर में हो जाएगा, मतलब 10 से 15 मिनट लगेगा दाल बनने में, और ये उसको बंद कर दी। देन मैं अभी जा रही हूँ आटा गूंदने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह जो भी काम होता है सारा काम, रोटी तो सबके घर में बनती है, चावल सबके घर में बनता है, वहीं हमारा भी रूटीन होता है। तो यहाँ पे मैं नीचे बैठ के आटा गूंद रही हूँ, पानी में लेके आई थी एंड उसके बाद मैं स्टार्ट कर दे रही हूँ, उसके बाद मैं फटाफट रोटी बनाऊँगी। तो बस कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग्स आजकल का, आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। यहाँ मीना निकाल रही है चावल, मैंने आटा गूंथ लिया था बनाने के लिए। और यहाँ पे देखिए मम्मी ने, ये जो मैं मिर्च दिखा रही हूँ, मम्मी ने इसके सारे डंठल निकाल लिए हैं, क्योंकि मम्मी जब भी फ्रिज में मिर्च रखती है हरी मिर्च, तो उसके डंठल निकाल लेती है, काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहता है। इस तरीके को आप भी यूज़ कर सकते हैं फ्रिज में जब मिर्च रखते हैं। और एक मेरी सब्सक्राइबर थी जिन्होंने बोला था कि मेरा फ्रिज ख़राब हो गया है, तो इस टाइम पे सच में पता है फ्रिज ख़राब हो, फ़ैन ख़राब हो, कूलर ख़राब हो, बहुत ही मुश्किल वाला काम है। यहाँ देखिए मैंने वॉश करके और मैं ड्राई करने के बाद मैं उसको रखूँगी। और ये जो खीरा है ये हमारे गार्डन से निकला है, देखिए कितना अच्छा सा निकला है। और मैं सच में अभी तक ना खीरा का पौधा नहीं देखी हूँ, मैं जाऊँगी देखने के लिए, मैं सोची हूँ वीडियोज़ भी उसका बनाऊँगी।
कि कैसा होता है, मैंने खुद ही नहीं देखा है कि उसका पौधा कैसा होता है। एंड यहाँ पे मैं इसको अच्छे से वॉश करके और फिर थोड़ा सा ड्राई करने के बाद तब मैं फ्रिज में डालूँगी, ताकि जब भी निकालो आराम से बना लो, सब्ज़ी में डाल लो। एंड उसके बाद बन चुका था सब कुछ, और उसके बाद मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ स्पॉच की ड्राई वाली सब्ज़ी आलू की। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है भून ली, थोड़ा सा कम मेरे को ऑयल लगा, तो फिर मैं इसमें ऑयल को ऐड कर रही हूँ। एंड जो मसाले होते हैं बस वही बेसिक मसाले, हल्दी नमक, देन यहाँ पे मैंने रोटी बना लिया था। उसके बाद रोटी बनाने के बाद जो बर्तन थे उसको सबसे पहले तो मैं ये वॉश करती हूँ, चौकी एंड बेलन जो बोलते हैं, और इसको मैं वॉश करने के बाद थोड़े से जो बर्तन हैं उसको भी मैं साथ ही साथ क्लीन करूँगी। एंड यहाँ पे सब्ज़ी भी मैं देख रही हूँ, क्योंकि इस पर्श को भूख लग गई थी, उसका सब्ज़ी आज सबसे लेट बनाया, वैसे सबसे पहले बन जाता है। एंड यहाँ पे मैं तवे पे यहाँ पे इस पर्श नींबू लेके आया है बाहर से, तो वही मैं पूछ रही थी कि दो ही नींबू क्यों। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और मॉर्निंग के हो रहे हैं 10:45। सुबह का मैं शूट करी थी किचन का, एंड अभी जस्ट मेरा कुरियर मॉर्निंग टाइम में आया था, तो वो मैं अभी सुबह 8:30 में आ गया था जब मैं खाना बना रही थी ना उसी टाइम, तो बस मैं अभी उसको धूप में रख दी थी, अभी जा रही हूँ मैं बाहर से लेके आने। और उसमें मैंने मंगाया है एक कुर्ती जिसको मैं अपने सेकंड वाले चैनल पे उसको दिखाऊंगी, या फिर इसमें भी दिखा देती हूँ, उसके लिए एक अलग से ना अनबॉक्सिंग वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए बाहर चलती हूँ, और इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा धूप हो गई है बाहर, कोई कुछ नहीं दिखे, अंधेरा अजीब सा दिख रहा है ना आप लोगों को। मैंने जो कुर्ती मंगाया है वो है ये कुर्ती, और ये है कलर। और इसका पूरा रिव्यू देखना है तो आप मेरे सेकंड वाले चैनल पे जाके देख लीजिएगा, मैं इसका पूरा रिव्यू दिखलाऊंगी कि ये ओवरऑल कैसा लगता है। इसको मैंने इस तरीके से दिखा दिया, तो ये कुर्ती, और भी मैंने कुर्ती ऑर्डर किया है लेकिन वो पता नहीं कब तक आएगा, और कुछ मैंने सामान भी ऑर्डर किया वो भी पता नहीं कब तक आएगा। चलिए फिर दोपहर के टाइम में मैं जा रही हूँ थोड़ा सा लंच करने, और मिलूंगी बाद में आप लोगों से। और इस कुर्ती को मैं नमक वाले पानी में भिगो के थोड़ी देर के लिए रख दी थी, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा कलर है वो निकल जाए। यहाँ पे ये रात का टाइम है और हमारे घर में बन रही है तोरी एंड चने की दाल है इसमें ऐड करके, और ये सब्जी बन रही है। सब कुछ डालने के बाद इस तरीके से भून रहे हैं, और नमक और मसाले जो हैं वो अभी नहीं पड़े हैं। मसाले में बस हल्दी पड़ने वाला है, हल्दी और नमक, और कोई भी मसाले इसमें ऐड नहीं करने हैं। तो ये शाम का रात का टाइम था समझ लो, तो बस ये सब्जी बन रही है और रोटी बनेगी और मिल्क वगैरह, तो वो सब तो है ही, तो बस वही नॉर्मल खाना सही रहता है खाने में। और यहाँ पे मम्मी का बीपी मैं चेक करने जा रही थी, क्योंकि उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी इसी वजह से, तो बस यहाँ पे मैं अभी चेक कर रही हूँ। यहाँ पे सब्जी में मैंने मसाले डाल दिए हैं, और उसके बाद इसको मिक्स कर रही थी। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है, और आप लोगों के पास कितनी गर्मी पड़ी है, हम दोनों किचन में थे, जो भी काम थे हमारे ख़त्म हो गए थे लगभग, और जो थोड़े बहुत काम थे वो हम अभी निपटा रहे थे। रात का टाइम था, ये है वनीला एसेंस, मैं सोच रही थी, मैं इसे पूछी थी, यहाँ से तो गिर जाएगा तो मैं कहीं और रख देती हूँ, तो वही मीना ने बोला कि आप वहाँ रख दो सही रहेगा, तो बस वही मैं, क्योंकि वो कांच का है ना तो टूटने का डर है, और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बट वही है काम तो करना ही है, और ससुराल है तो सोच के भी अगर मन भी ना हो तो भी करना पड़ता है, क्या करें। और बस खाना बन चुका है, उसके बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे टीवी वगैरह देखने के लिए।
यहाँ मैं मीना के रूम में आई थी और यहाँ देखिए उसके गले में बहुत ही ज़्यादा गर्मी की वजह से ना इचिंग हो रही थी, तो उसने पाउडर लगा रखा था और मैं यहाँ पे उसकी क्लिप बना रही थी। एक्चुअली मैं किसी काम से आई थी एंड उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे टीवी देखने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी एक साइड में बड़ी वाला जो सोफ़ा है उस पर वो लेटी हुई है और हम दोनों यहाँ बैठ के टीवी देख रहे थे और रिस्पॉन्स भी यहीं पर था। तो बस थोड़ा सा टाइम मिला था तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। बाकी खाना वाना सब कुछ बन चुका था रात का, तो होता है ना कि रात को खाना जल्दी बन जाए तो थोड़ा सा फ्री इंसान हो जाता है और थोड़ा रिलैक्स भी फील होता है, नहीं तो फिर 10 बजे 10:30 तक खाना बनाते रहो खाते रहो ऐसा हो जाता है। यहाँ मैं स्पोर्ट्स से बात कर रही थी और यहाँ पापा भी आ गए थे। तो यहाँ पर बस हम पता है टीवी में आजकल न्यूज़ में जो चीज़ें आती है ना उस पर हमारा रिएक्शन कुछ और होता है, तो हमारे यहाँ पर फेस का रिएक्शन आप देख सकते हो कैसे आ रहा है। और बस मैं ज़्यादा देर तक ये ब्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि थोड़ी सी ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बिल्कुल मन नहीं हो रहा था बनाने का। और आज मैंने कुछ स्पेशल सी रेसिपी भी आप लोग साथ शेयर नहीं करी हूँ और यहाँ पे बस मैं मम्मी से ही थोड़ा बहुत बातें कर रही थी। और यहाँ पे क्या था, स्पर्श थोड़ी देर पहले जो रिमोट है मीना ने लिया है वो रिमोट तोड़ा नहीं था फेंक दिया था एक्चुअली, और वो सब उसके पार्ट्स जो हैं वो सारे अलग अलग हो गए थे। फिर जैसे तैसे वो बना है अभी, तो वही हम चेक कर रहे थे कि टीवी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी और मेरी कुर्तियाँ वगैरह थी वो साइड में रखी हुई थी और ये ना कल का ही कपड़ा है और देखिए कैसे श्रृंखला हो गया है। तो मैं बस इसको सीधा करके फोल्ड करके और मैं इसको रख दूँगी अलमारी में, सारे कपड़े फोल्ड करके रख दूँगी। तो यहाँ पे बस मेरे ही ज़्यादा कपड़े थे, टॉप है, मेरी कुर्तियाँ हैं और 3-4 कुर्तियाँ थी, दुपट्टे हैं और स्पर्श के जो कपड़े थे उसको फोल्ड करके उसके जगह पर रख दूँगी। तो बस ये रात का टाइम था, 9 बजे के आसपास का कुछ टाइम था और ये भी एक मेरी कुर्ती है और इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। पता है इस टाइम पे मेरी जितनी कुर्तियाँ हैं सब की बाजू बड़ी बड़ी है, तो इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, पहनने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही। और छोटे बाजू वाली मैं कुर्तियाँ लेके ही नहीं आई और टॉप है तो वो तो मैं रात में पहन लेती हूँ। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ और अच्छे से ब्लॉग के साथ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।